कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकरुद्रवश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिशे नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर सदस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील वामन गोस्वामी महाराज एवं नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर सदस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज जी का भाई चरण कमलों में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर सत्यमद भक्ति वेदांत स्वामी महाराज एवं सन्यासीबिंद उपस्थित मातृबिंद गुरुगत सज्जनबिंद हरिकथा पिपासु सत्रबिंद सभीयों की मेरा यथाजथ सादर अभिनंदन। बड़े सौभाग्य की बात है हम लोग पुरुषोत्तम क्षेत्र में पुरुषोत्तम मायने में हम लोग पुरुषोत्तम व्रत पालन करते जा रहे हैं। शायद काल ही समाप्ति दिवस होगा ना 16 तारीख। अभी अभी आप लोगों ने ये पुरुषोत्तम व्रत की महिमा आप लोगों ने श्रवण किया। यद्यपि स्मार्त ब्राह्मण के विचार से इसके मलमास कहते हैं किंतु वैष्णव के विचार से सर्वोत्तम मास माना जाता है। विशेष करके स्वयं भगवान इनको नाम ही दे दिया पुरुषोत्तम नाम दे दिया। कथा प्रसंग इसी प्रकार है ये ब्रह्मा जी जब इनको प्रकट किया मैल से उनके हाथ रगड़ते जो आगे तब वो रोने लगे मेरे नाम क्या है ना तुम्हारे नमल है। तब तो उन्होंने किया कि बहुत दुखित हो गया सभी लोग उपहास करने लगे हैं। मल यानी मैला मैला के कौन रखना चाहते हैं सब दूर रखना चाहते हैं। तो इस इतने समय नारद ऋषि पधारे नारद ऋषि के साथ मिले और नारद ऋषि उनको दुखित होकर के कहने लगे चलो मेरे साथ चलो प्रभु के पास चलो। तो प्रभु के पास जाकर के अपने निवेदन किया ये मेरे नाम मल मास है इसलिए सभी लोग मुझे उपहास करते हैं इसलिए मैं दुखित हूँ। तो भगवान कहने लगे देखो मेरे नाम ही पुरुषोत्तम है अब मैं मेरे नाम तुमको दे दिया। मैं जैसे जगत में पूजित हूँ उसी प्रकार तुम्हारी पूजा होगी इसी प्रकार पुरुषोत्तम मास के नाम में ये परिचित। देखो कार्तिक महीने जो है हर साल कार्तिक महीने आ जाता है जिसे हम लोग कार्तिक व्रत नियम सेवा व्रत ऊर्जा व्रत पालन करते हैं किंतु ये पुरुषोत्तम व्रत केवल कितने करी करी 3 साल के बाद ये आ जाते हैं है? इस महीने की इस पुरुषोत्तम महीने की अधिक मास भी कहा जाता है। इस अधिक मायने मास बाद पुरुषोत्तम व्रत की अधिष्ठात्री देवता स्वयं कृष्ण है। जैसे कार्तिक मास के अधिष्ठात्री देवी कौन है स्वयं राधा रानी है और उसी प्रकार इस मल मास कार्तिक मास बाद अधिक मास के अधिष्ठात्री देवता स्वयं कृष्ण है।
और विशेष करके पुरुषोत्तम नाम तात्पर्य है पुरुष में उत्तम पुरुषोत्तम कृष्ण बलदेव देन शंकरसन मूल संकृष्ण देन कार्यदोषाही गर्दोषाही खिरदोषाही विष्णु के। तो इसी प्रकार कहते हैं पुरुष उत्तम, पुरुष में जो श्रेष्ठ कहा गया ऐसे भगवान अपने नाम दे दिया और अपने सारे लीला आदि बताया कि कैसे पुरुषोत्तम व्रत को पालन करना है। विशेष करके पुरुषोत्तम क्षेत्र में ये जगन्नाथपुरी के कहा जाता है, क्या पुरुषोत्तम क्षेत्र भी कहा जाता है, इस पुरुषोत्तम क्षेत्र में रह करके यदि कोई पुरुषोत्तम व्रत पालन करे उसको अधिक फल प्राप्त होगा। इस स्वयं कृष्ण ही पुरुषोत्तम के रूप में जगन्नाथ क्षेत्र में विराजमान है। और विशेष करके जगन्नाथ की महिमा आप लोग ने श्रवण किया, ये राधा जी की विरह में कैसे तड़प रहे, अभी अभी उत्तम प्रभु ने बताया ये किस प्रकार वृंदावन की लीला आदि स्मरण करते करते स्वयं कृष्ण भाव में विवाहित हो गए और उनके सारे अंग आदि क्या हो गया, द्रवीभूत हो गया। जिस प्रकार सूर्य के तेज से बर्फ खंड जैसे द्रवीभूत हो जाते हैं, पिघल जाता है, उसी प्रकार कृष्ण ब्रजवासियों की प्रेम कथा के महात्म की श्रवण आदि करके स्मरण करके चिंतन करके उनके सारे अंग क्या हो, कैसे हो गया, द्रवीभूत हो गया, पिघल गए, हाथ पैर सब पिघल गए। पुरुषोत्तम क्षेत्र की महिमा इसी प्रकार वर्णन है। एक बार द्वारकापुरी में समस्त महिषियां 16,108 महिषियां माँ रोहिणी देवी के निकट जाने, बलदेव प्रभु के माता रोहिणी देवी के निकट प्रश्न करने लगे, ये हम लोग यहाँ पर 16,108 पठरानियां सब प्रकार से हम कृष्ण की सेवा आदि करते हैं, सदा सदा ध्यान रखते हैं उनकी सेवा की कहीं त्रुटि ना हो जाए, हम सब ध्यान रखते हैं, किंतु तथापि हमारे प्राण प्रियतम गोविंद कृष्ण रात्रि काल में और कैसे विरह में तड़पते रहते हैं। हे नंद हे जसोदा हे राधे हे ललिते ऐसे नाम लेकर के रोते रहते हैं। ये वो लोग कौन है, यह तो ये सत्यभामा भी कहने लगी, आप यह भी बताइए, कभी कभी दिन में भी कृष्ण कभी कभी इतने भाव में विभोर हो जाते हैं, उनके आंखों से आंसू की धारा प्रवाहित होते हैं, छलछलाते हैं और मुझे पकड़ कर कहते हैं हे राधे तुम कहाँ हो, इसी प्रकार रोते रहते। वह समस्त महिषियां कहने लगे जे उनके महिमा बताइए, वो ब्रजवासी कौन है, राधा जी कौन है, ललिता कौन है, विशाखा कौन है, नंद महाराज उनकी प्रेम क्या है, ये सब कथा हमें श्रवण कराइए। तब रोहिणी देवी कहने लगी देखो ये अतीब गूढ़ कथा है, जिस कथा को ये लक्ष्मी देवी स्वयं समझ नहीं पाई, तुम लोग कहां समझ पाओ, तथापि तुम लोग के उत्कंठा देख करके मेरे हृदय में इच्छा हुई आप लोग बोलने के लिए। स्वयं रोहिणी देवी सुधर्मा सभा में आकर के समस्त महिषियों के पास बोलने लगे, कहने देखो जहां पर कृष्ण कथा होती है कृष्ण वहीं पर प्रकट हो जाते। नारद ऋषि ने भी भगवान के निकट कहा कि प्रभु आप कहाँ रहते हो, नारद ऋषि स्वयं क्या कहा, ये भगवान ने क्या कहा, नाहं बसामि वैकुंठे न च जगिन हृदये च मदभक्त जत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि। नारद स्वयं भगवान कहने लगे हे नारद नाहं बसामि वैकुंठे, मैं वैकुंठ में नहीं रहता, न च जगिन हृदये च जोगी के हृदय, जोगियों के हृदय में भी नहीं रहता है, तो कहाँ रहते हो, मद भक्त जत्र गायन्ति मेरे भक्त जहाँ पर मेरे कथा आदि लीला कथा आदि स्मरण करते हैं कीर्तन आदि करते हैं, मैं वहीं पर प्रकट हो जाता हूँ। देखो
उस समय रोहिणी देवी कहने लगी कृष्ण की कृष्ण बलराम आ जाए उनके कथा उनके पास कैसे बोलेंगे। इसलिए कृष्ण के बहिन सुभद्रा जी के बोले तुम यहां द्वार पर खड़े हो जाओ, यहां पर बैठो और जब कृष्ण बलराम आ जाए हमें इशारा कर देना, कथा को जो है दूसरी कथा हम बोलेंगे। किंतु देखो रोहिणी देवी उस सभा में जब कथा बोलने शुरू कर दे सब निस्तब्ध होकर के श्रवण करने लगे। ब्रज की कथा कौन सुना नहीं चाहते हैं, ब्रज का ही नहीं श्रीमद् भागवत में ही कहते हैं केवल एक ही व्यक्ति ब्रज की कथा सुना नहीं चाहते, वो कौन? पशुघाती निवृत्त तर से ही उपगीयमान, निवृत्त तर से ही उपगीयमान भवस्तद स्तोत्र मनोभिराम पौत्तम श्लोको गुणानुवादक पुना पुमान विरजित बिना पशुघ्ना। श्रीमद् भागवत में दशम स्कंद में पहली अध्याय में इसके वर्णन होते जा रहे, जिस संसार से निवृत्त होकर के अनासक्त होकर के ब्रह्म में लीन होने वाले व्यक्ति भी यदि कृष्ण कथा श्रवण करते हैं वो अद्वैतवादी के ध्यान को छोड़ देते हैं। अद्वैतवादी निवृत्त भवस्तुतस्तोत्र मनोभिराम, इस संसार में कोई व्यक्ति संसार में दुखित है आध्यात्मिक आदिदैविक और आदि भौतिक तीताप जल के द्वारा पीड़ित हो रहा है, दुखित हो रहा है, कष्ट हो रहा है, यदि कृष्ण कथा श्रवण करे उसके सारे कष्ट क्या हो जाएगा, दूर हो जाता है। इसके प्रमाण है तब कथामृतम तप्त जीवनम कवि विरीडितम कलमसाहपम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदाजन। भूरिदाजन यानी कृष्ण की कथा जो श्रवण कराते हैं वो सर्वश्रेष्ठ दाता कहा जाता है, दान दान करने वाले डोनर कहा जाता है। इस संसार में अनेक लोग तो अनेक प्रकार भी दान करते हैं, पुरुषोत्तम महीने में बहुत लोग दान आदि करते जा रहे हैं, हम देखा मथुरा गोवर्धन में परिक्रमा करते हुए हजारों लोग दान करते जा रहे हैं, क्या सब्जी दान कर रहे हैं, वस्त्र दान कर रहे हैं, अन्न दान कर रहे हैं, दान के छत्र कहीं कितने लगे हुए। किंतु हमारे श्रीमद् भागवत में क्या कहते हैं सर्वश्रेष्ठ दाता कौन है, जो भगवत कथा दान करते हैं, जो भगवत नाम वितरण करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। इसलिए कहते हैं जो भगवत कथा सुनते नहीं है वह भगवत कथा नहीं बोलते वो क्या है पशुघाती कहा जाता है, जो सुनना नहीं चाहते। इसलिए कहते हैं निवृत्त तरसे उपगीयमान भवस्तुत्र मनोभिराम का उत्तम श्लोक गुणानुवादक कुमान विरजित बिना पशुघ्ना, स्पष्टीकरण कर दिया जो कृष्ण कथा सुनना नहीं चाहते हैं वह नहीं सुनते हैं वो कैसे है शिकारी वैद्य जैसे निष्ठुर होता है, ठीक उसी प्रकार जो कृष्ण कथा सुनना नहीं चाहते हैं वो निर्दय हृदय वाली है। इसलिए रोहिणी देवी उस सभा में इतनी सुंदर कथा बोलना शुरू कर दिया, सारे महिषियां बस कान को खड़ा करके कृष्ण की लीला कथाओं को श्रवण करने लगे। जिस प्रकार वृंदावन में कृष्ण वेणुवादन करने के साथ ही साथ गोपियां क्या करती है सर्व कार्य के सब कुछ काम को छोड़ करके कृष्ण की तरफ धावित होते हैं। तात्पर्य क्या है माने कृष्ण कथा सुनने के लिए इतने उत्कंठा, ठीक उसी प्रकार रोहिणी देवी उस सभा में जब कथा वर्णन करने लगे सब महिषियां अत्यंत उत्कंठा के साथ कथा श्रवण करने लगे, किसी को पता ही नहीं है ये कब कृष्ण बलराम आकर के और सुभद्रा के पास आकर बैठ गए। सुभद्रा भी भाव में डूब गए, उनके भी पता भी नहीं चला। देखो कृष्ण कथा की महत्व भी इसी में कह रहे, कृष्ण कथा विशेष करके रोहिणी देवी ब्रज की
ब्रजवासियों की विरह की कथा जब वर्णन करने लगे, उस विरह की कथा सुन करके सभी रोना शुरू कर दिए। और देखो कृष्ण बलराम भी ब्रज की विरह की कथा सुन करके उनके शरीर कैसे हुए, पिघल गए। सुभद्रा की शरीर भी पिघल गई और दिव्य शरीर दिखाई पड़े। इतने समय नारद ऋषि प्रकट हुए। नारद ऋषि प्रकट होकर के स्तव स्तुति आदि करने लगे और उनके स्तव स्तुति सुन करके फिर कृष्ण पुनः शरीर में आ गए। और स्वयं भगवान कृष्ण बोले, नारद तुम्हें वर मांगो, जो वर मांगना चाहते हो। नारद ऋषि कहने लगे, प्रभु यदि वर देना चाहते हैं जो अपने भक्त यानी वृंदावन की कथा सुन करके जो आप महाभाव की मूर्ति दर्शन कराए, मैंने विरह की मूर्ति दर्शन कराया, वह विरह मूर्ति यानी आपकी पिघले पिघले मूर्ति को जगत में प्रकाश कीजिए, अर्थात वही जगन्नाथ जी। जगन्नाथ के आंख नाक कान कैसे पिघल गए, इसके महाभाव की दशा में समस्थिति हो गया। इसी पुरुषोत्तम क्षेत्र में वैसे ही चैतन्य महाप्रभु उसी सर्व दामोदर रायरंद के साथ चर्चा करते थे। रायर नाटक आर स्वरूपेर गान विरहेर काले दुहे राखे पुराण, चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिखते हैं। जब चैतन्य महाप्रभु विरह में तड़पते थे, कहां मोर प्रणनाद मुरली वदन, कहां जाऊं कहां पाऊं बजेंद्र नंदन, कहा रे कही वो दुख के जाने मर दुख बजेंद्र नंदन बिना फाटे मर दुख। महाप्रभु इसी प्रकार राधा भाव में विवाहित होकर के कृष्ण के विरह में इतने तड़पते रहते थे। कहां मोर प्रणनाद मुरली वदन, वह मुरली वदन वेणु वदन कार्य करने वाले, सिखी पुच्छव धारण करने वाले, मोर पंख के धारण करने वाले, मंद मुस्कान के द्वारा समस्त जीवों के आकर्षित करने वाली है। जैसे इसी श्लोक में आने ब्रज काम देव वर्धन है, तो ऐसे वो सिखी पुच्छव धारण करने वाले और समस्त जीवों के आकर्षित करने वाले मदन मोहन वो है कहाँ, वो मुझे कैसे प्राप्ति हो। इस चिंतन में महाप्रभु डूब जाते थे और विरह में नाजिनी कैसे कैसे भावों के प्रकाश करते थे। जैसे अभी अभी बताया ये चैतन्य महाप्रभु इतने भाव में विवाहित हो जाते थे, दीवार पर जो है अपने मुंह के जो है घिसते थे जिससे खून आ जाए, कभी नाखून के द्वारा और उसे खोदते थे ये कृष्ण कहाँ है, कहाँ छिपे हुए। सर्व दामोदर करने लगे, प्रभु आपके नाखून और मुंह में खून आ रहे हैं, आप शांत हो। कहने लगे कृष्ण कहाँ है, सर्व दामोदर बताओ वो कृष्ण कहाँ है, उनके बिना मैं नहीं रह सकते। कहाँ मोर प्रणनाद मुरली वदन, कहाँ जाऊं कहाँ पाऊं ब्रजेंद्र नंदन। सर्व दामोदर कहने लगे, प्रभु कृष्ण तो आपके हृदय में विराजमान है। बस महाप्रभु कहने लगे, स्वरूप कृष्ण मेरा हृदय में छुपे हुए हैं, वो छाल कपट है, क्यों छुपे हुए उसको मैं देखना चाहता हूं, वो कहाँ है। ऐसे करके चैतन्य महाप्रभु अपने उंगली के द्वारा अपने बक्षस्थल के भी फाड़ना शुरू कर देते। फिर किसी तरफ से स्वरूप दामोदर महाप्रभु जो है संत कराते हैं। यही गंभीरा हम लोग अभी अभी गंभीरा में दर्शन करके आ रहे हैं। गंभीरा के यही लीला इस पुरुषोत्तम क्षेत्र में श्रीमान महाप्रभु जो समस्त दिव्य भावों के दर्शन कराया, प्रकट कराया, न भूत न भविष्यते, जो श्रीमद् भागवत में राधा जी के दिव्य उन्माद दशा आदि के द्वारा वर्णन नहीं किया गया। सुखदेव गोस्वामी श्रीमद् भागवत में केवल सुखदेव गोस्वामी श्रीमती राधा जी की 10 श्लोकों के द्वारा श्रीमती राधा जी के क्या दिव्य उन्माद दशा वर्णन कर दिया है। किंतु चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास के विराज गोस्वामी महाप्रभु जो वो समस्त भाव वर्णन किया कहीं नहीं सुनी, ये कहीं सुनाई नहीं जाता। ये महाप्रभु गंभीरा में रह करके ये समस्त भावों के कैसे प्रकाश करते थे। वही राधा जी के भाव में विवाहित होकर के अपन आरे राधा भावे अनुक्षण सदा सर्वदा चैतन्य महाप्रभु अपने के
राधा जी के भाव में डूबे रहते, आप सोचते थे मैं राधा हूं, मेरे प्राण काम तो गोविंद मुझे छोड़ करके मथुरा चले गए, और इसी भाव में विरह में तड़पते रहते थे। ये दिव्य उन्माद दशा, ये साधारण लोगों के समझ में नहीं आएगा। वास्तव जो है गंभीरा गंभीर जो विषय है, नाम ही तो गंभीर है, यहां पर गंभीर लीला, राधा जी के भाव गंभीर लीला आदि यहां पर प्रकाश किया। जद भी राय रवंद के रसराज महाभाव स्वरूप को दर्शन कराया, किंतु गंभीरा में जो लीलाएं जो है वो कोई साधारण नहीं है, ये समस्त लीला आदि दर्शन कराया, और भाव में कैसे इसको देखिए। और महाप्रभु के ऐसे भाव विरह भाव को देख करके स्वरूप दामोदर राय रवंद क्या करते थे, विद्यापति चंडीदास के कीर्तन करते थे, और उस कीर्तन के सुनकर के चैतन्य महाप्रभु के और भी दिव्य उन्माद दशा विरह दशा प्रज्वलित हो जाता था। जिस प्रकार अग्नि कुंड में हवन कुंड में घी देने से क्या होता है, आग की लहरिया और भी प्रज्वलित हो जाते, बढ़ जाता है, हवन कर रहे हैं और उसमें लकड़ी भी डाल दिया और घी भी डाल दी तो आग की लहरियां क्या जैसे ऊपर बढ़ जाते हैं, उसी प्रकार स्वरूप दामोदर विद्यापति चंडीदास की जब कीर्तन आदि करने लगे सुनाने लगे, महाप्रभु के विरह और भी द्विगुना तीन गुना अग्नि के लहर की भांति बढ़ने शुरू कर देते हैं। इसको देख करके महाप्रभु के सेवक गोविंद मनी मन सोचते हैं कि स्वरूप दामोदर राय रवंद क्यों आते हैं, केवल महाप्रभु के रुलाते हैं, ये लोग नहीं आते तो अच्छा रहता, किंतु महाप्रभु की भाव उनके समझ में नहीं आते। विरह में जो आनंद वो कौन समझेगा, ये चित जगत की वस्तु है, जड़ जगत में विरह नहीं है जिसको हम शोक कहते हैं, किंतु चित जगत में विरह, विरह शब्द की अर्थ है वि माने विशेष, रह माने मिलन, विशेष मिलन ही विरह कहा जाता है, और उसमें आनंद की उल्लास होता है। यद्यपि बाहर में दुख दिखाई पड़ते हैं किंतु अंतर हृदय में क्या आनंद की लहरियां चलती रहती है। जत देखो वैष्णवेर व्यवहार दुख ताहते जानियो तुम्हें परम आनंद, बाहर में दुख प्रकाश कर रहे हैं किंतु अंतर हृदय में आनंद की लहरियां चलती रहती है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु गंभीरा में रह करके जब ये समस्त भाव की आस्वादन करते थे, विशेष करके स्वरूप दामोदर और राय रमानंद, राय रमानंद भी कम नहीं है, अपने सरचित नाटक कौन सा ग्रंथ है, जगन्नाथ वल्लभ नाटकम, इस नाटक के एक एक श्लोक जब राय रमानंद जब पाठ करते थे और चैतन्य महाप्रभु उस कथा के सुनकर के कैसे आनंद में विहल हो जाते थे। इसलिए कहते स्वरूपेर स्वरूपेर गान आर रायर नाटक विरहेर काले दुहे राखे प्राण, देखो ये विरह, विरह में आनंद कैसे होता है। जैसे उदाहरण दिया जाता है, एक जगह में जो है रामायण पाठक राम चरित मानस पाठ कर रहे थे, राम की लीला वर्णन कर रहे थे, विशेष करके सीता जी के पाताल प्रवेश बहुत हृदय द्रवीभूत कथा है, और उस समय सारे लोग क्या करने लगे, उस कथा को सुनकर सब रोने लगे, सीता जी के पाताल प्रवेश जो है कितने हृदय द्रवीभूतकारी कथा है वो, रामचंद्र की सभा में जितने लोग बैठे हुए थे सभी लोग रोना शुरू कर दिया। अथवा लव कुश जब ये सब कथा को जो है वर्णन करने लगे, सभा में सभी लोग रोना शुरू कर दिया, कथा समाप्त तो हो गया, फिर दूसरे दिन उसी कथा को सुनने के लिए फिर आ जाते हैं, क्यों यदि रोना दुख है तो फिर क्यों बोले भगवत चरित्र कथा चित चित शब्द है, अपराधी तो कथा है,
ऊपर से रोना रोते हैं किंतु अंतर हृदय में आनंद है। ठीक उसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु गंभीरा में रह करके स्वरूप दामोदर रामानंद के साथ ये समस्त विरह की वार्तालाप करते थे है? और उससे चैतन्य महाप्रभु के बाहर से जो रोना होता था किंतु अंतर हृदय में आनंद की लहरियां चलती है। इसे साधारण लोगों के समझ में नहीं आएगा। मेरे कहने की तात्पर्य है ये पुरुषोत्तम क्षेत्र, इसमें जगन्नाथ जी साक्षात कृष्ण और वही कृष्ण ब्रजवासी के विरह में कैसे तड़प रहे हैं, और इसी पुरुषोत्तम क्षेत्र में वही कृष्ण गौरांग रूप में आकर के गंभीरा में राधा जी के भाव में विवाहित होकर के कृष्ण के विरह में तड़प रहे हैं। इसलिए आचार्य पाद कहते हैं विरह विदुर राधा, राधा विरह विदुर कृष्ण। राधा जी के विरह में कृष्ण तड़प रहे हैं, यही है दिव्य महाभाव की दर्शन। पुरुषोत्तम क्षेत्र में जगन्नाथ जी के इतने विशेष महिमा दिखाया गया है, भाव की उद्दीपन होता है यहाँ पर। समुद्र देख करके जमुना की उद्दीपन होता है, चाटक पर्वत के देख करके गिरिराज गोवर्धन की उद्दीपन होता है, बंसी भट्ट निकट में देख करके ये समस्त लीला आदि उद्दीपन होता है। जिसमें तो महाभागवत प्रेमिक भक्तजन इसी लीला को स्मरण आदि करते रहते हैं, चिंतन आदि करते रहते हैं। पुरुषोत्तम क्षेत्र में रहने की यही विशेष वैशिष्ट्य क्या है, ब्रज की भाव ब्रज की चिंतन हो है। यदि पुरुषोत्तम मायने में पुरुषोत्तम क्षेत्र में रह करके ब्रज की कथा नहीं हुआ है तो सारे कथा के व्यर्थ हो जाता है, है? यही से इसलिए एक ही श्लोक के द्वारा श्रीमद् भागवत में सुखदेव गोस्वामी श्रीमद् भागवत की सार दशम स्कंद की कथा को वर्णन कर दिया। जैसे उत्तम प्रभु ने बताया कौन सा श्लोक, जयति जन निवास हो देवो की जन्म बाद हो जदु बरा परिषद दुर्मी धर्म स्थिरित मुखे नजपुर बनीता वर्धयनो काम देम। उस श्लोक के उन्होंने बहुत सुंदर रूप में भी वर्णन किया, ये स्वयं कृष्ण कौन है, अपरागित कामदेव है वृंदावन में, अपरागित कामदेव है। शायद आप लोग तीन कामदेव के बारे में श्रवण किया, एक स्वर्ग के रहने वाले जो कामदेव है, इंद्र के मित्र कहा जाता है, समस्त जीवों के जो नचाने वाले है, और ये कामदेव कौन, प्रद्युम्न कामदेव द्वारकापुरी में, और ये कामदेव कृष्ण स्वयं कृष्ण के कामदेव कहा जाता है। इसलिए चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज जी वर्णन करते हैं, वृंदावने अपरागित नवीन मदन काम गति काम विजय जहा रूपासन। वृंदावन में अपरागित मूल कामदेव कौन है, कृष्ण हिंसा कृष्ण स्वयं, जिसमें अपने सुंदर मंद मुस्कान आदि के द्वारा वेणुध्वनि के द्वारा समस्त जीवों के क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं, सर्वाकर्षित है। ऐसे कोई जीव नहीं है, ये भगवान कृष्ण की विरुद्धनि सुन करके मोहित न हो जाए है, ये समस्त वर्णन है। इसलिए पुरुषोत्तम क्षेत्र में रह करके ये समस्त वृंदावन की चिंतन भावना है, यही हमारे भजन की सार कहा जाता है। प्रसाद आ गया किन समय है, जगन्नाथ जी आ रहे हैं पधार रहे हैं है? तो इसलिए मेरे कहने की तात्पर्य यह है, इस पुरुषोत्तम क्षेत्र में रह करके पुरुषोत्तम महीने में ब्रज की लीला कथा को स्मरण करें है? और यही लीला कथा को स्मरण करते करते आप कहां पहुंच जाओगे, वृंदावन में पहुंच जाओगे। हमारे चैतन्य महाप्रभु इसी प्रकार शिक्षा दी, विरह भाव में भजन प्रणाली दिखाया है? क्योंकि साधारण साधक विरह में तड़पते हुए नाम करते रहे, महाप्रभु ही दिखाया, नयनं गलाश्रु धारया बदनं गदगद रुद्धय गिरा पुलार कोई नीचतम बपु कदा तब नाम ग्रहणे भविष्य। नाम ग्रहण की प्रणाली उसी प्रकार है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा
कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। तो आप लोग धन्य हो, पुरुषोत्तम क्षेत्र में आप लोग रह रहे हैं और पुरुषोत्तम महीने में है, शायद आज और काल अंतिम दिवस है, है बहुत सुंदर है, है स्वयं भगवान व्यवस्था कर देते हैं और साक्षात जगन्नाथ जी के महाप्रसाद, इससे और बड़ी क्या चीज़ है। भगवान और भगवान के प्रसाद में कोई अंतर नहीं, इसलिए कहते हैं महाप्रसादे गोविंदे नाम ब्रह्मणि वैष्णवी सर्वपुण्य बतांग राजन विश्वास नहीं बजाय। सर्वपुण्यवान जो व्यक्ति, जैसे सुकृति कम है, ये चार वस्तु में श्रद्धांजलि, जैसे काल कोई भक्त हमें श्रवण करा देते है। एक बार भक्ति वैभवपुरी गोस्वामी महाराज जगन्नाथ जी में मंदिर में आए ना, तो उस समय जगन्नाथ जी के मंदिर बंद हो गया, दर्शन नहीं हुआ, दुखित हो गए। और दुखित होकर के उन्होंने क्या किया, बोले जगन्नाथ प्रसाद को मंगाया, क्यों जगन्नाथ और जगन्नाथ प्रसाद में कोई, बोले जगन्नाथ देव की है। वो जगन्नाथ प्रसाद को रख करके सष्टांग दंडवत किया, देखो कैसे है, समझ में आ रहे है, दंडवत किया, परिक्रमा किया, सब स्तुति किया, फिर वो जगन्नाथ प्रसाद को सेवन किया। इसलिए हमें शिक्षा देते हैं, या भी जगन्नाथ प्रसाद में साक्षात जगन्नाथ जी हमें कृपा कर रहे हैं। प्रसाद शब्द करते कृपा है, हम भोजन नहीं करते, खाते नहीं है, हम क्या करते हैं, सेवन करते हैं, सेवा है। बोलो जगन्नाथ महाप्रसाद की जय, जगन्नाथ देव की जय, जय श्री क्षेत्र धाम की जय, क्षेत्रवासी भक्त वृंद की जय, पुरुषोत्तम व्रत की जय, पुरुषोत्तम व्रत पालन करी भक्त वृंद की जय, पुरुषोत्तम धाम की जय, जय जय श्री राम। आप लोग बहुत सौभाग्यवान है, श्री क्षेत्र में रह रहे हैं, श्री माने लक्ष्मी देवी अक्ष, और श्री माने सर्वलक्ष्मी श्रीमती राधा। बोलो राधा रानी की जय, जय श्री राम। अभी आरती करा लीजिए और इसके बाद सब प्रसाद ग्रहण करें, प्रसाद सेवन करें। गौर प्रेमानंदी बोलो जगन्नाथ बोलो जगन्नाथ स्वामी नैन पथ गामी, जगन्नाथ स्वामी नैन पथ गामी, जगन्नाथ स्वामी नैन पथ गामी, जगन्नाथ स्वामी नैन पथ गामी। अरे बाबा तुम्हें, बाबा तुम्हें, बाबा तुम्हें, बोलो जय जगन्नाथ जय बलदेव, जय जगन्नाथ जाइए। आरती ठाकुर जी का आरती।
जशमती नंदना ब्रज बरनागर गोकुल Oh,
जय श्री श्री गुरु गौरंग हरि हरि जय जय।